हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलूज होमस्केप्स। आज हम ऐसे दो प्लांट के बारे में बातें करेंगे जो कैलेथिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक है कैलेथिया रोजियोपिक्टा और दूसरा है पिंक स्ट्राइप कैलेथिया। अगर आपको अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ानी है तो इन दो प्लांट्स को तो ज़रूर ऐड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन दो प्लांट्स के बारे में बातें करते हैं। ये है कैलेथिया रोजियोपिक्टा, जो कैलेथिया फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसकी लीव्स पिंक पिंक कलर की होती है, किनारे से थोड़े से डार्किश कलर के होते हैं। और दूसरा है, ये है मेरे पास पिंक स्ट्राइप कैलेथिया, जो एक खूबसूरत प्लांट है। लोग मानते हैं कि ये एक बहुत ही फिनकी प्लांट है और 90% लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा ग्रो नहीं करता, लेकिन अगर आप इस प्लांट की अच्छे से केयर करोगे तो बहुत ही सुंदर और अच्छे से ग्रो करेंगे। इन दोनों प्लांट्स की, कैलेथिया प्लांट्स की खास बात ये है कि इनको रेन वाटर या फिल्टर वाटर या आरओ वाटर पसंद होता है और समर सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इनकी लीव्स, न्यू लीव्स निकलनी शुरू हो जाती है। सर्दियों में इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन आप डरे ना, ये मरते नहीं हैं। इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। ये एक ह्यूमिडिटी प्लांट लवर प्लांट है, जिनको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है। ट्रॉपिकल प्लांट है ये, तो इसीलिए इन प्लांट्स में ह्यूमिडिटी ज़रूर बना के रखें। और खासकर इन प्लांट्स में मॉइस्चर बनाने के लिए जो ये मैंने मॉस लगा रखे, इसको ज़रूर आप लोग यूज़ करें। आपको ये मॉस किसी भी नर्सरी या ऑनलाइन में मिल जाएगा। प्लांट्स में मॉइस्चर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कि मैं एक टिप देती हूँ, अगर आपको अपने प्लांट्स में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बना के रखना है तो इस मॉस का तो ज़रूर ही इस्तेमाल करें। नमी बनी रहेगी प्लांट की ग्रोथ के लिए। इस प्लांट की खास बात यह है कि ये बहुत ही एयर प्यूरीफाई होते हैं, हवा को साफ करते हैं। दूसरी खास बात यह है कि जैसे ही शाम का वक्त होता है, इसकी पत्तियां ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाती हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ये प्लांट इजी टू केयर प्लांट है, कम देखभाल में ग्रो होने वाला प्लांट है। मेन बात यह है कि इसकी प्लांट हमेशा जो सॉइल होगी, जो भी हमने इसे मिक्स किया है, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और कंटेनर वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि इसमें सॉइल की क्वांटिटी आप कम ही डालें, इसमें ज़्यादा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर ज़्यादा डालें, सॉइल कम डालें जिससे अच्छे से ग्रो हो। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में कभी ना रखें। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी लीव्स धीरे धीरे ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी। इसको ब्राइट रोशनी वाली जगह में रखें और ऐसी जगह रखें जहाँ पे अगर सनलाइट भी आ रही हो तो वो फिल्टर होके आ रही हो, डायरेक्ट ना आए इसके ऊपर। इस प्लांट को वाटर बहुत पसंद है, खासकर जो बारिश का पानी हो, फिल्टर वाटर हो, आरओ का वाटर हो, और पानी इसमें बहुत डालें, क्योंकि इस प्लांट को पानी बहुत पसंद है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ये कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाता है। बस ये सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। ये सर्दियों में इस प्लांट को हेल्दी और इसकी ग्रोथ को रेगुलर बनाए रखने के लिए आप सर्दियों में इसको सनलाइट एक्सपोजर दें। जितना सनलाइट एक्सपोजर देंगे उतना हेल्दी रहेगा ये प्लांट, दिखने में सुंदर रहेगा। इसकी सूखी पत्तियों को आप बराबर से कटिंग करते रहें जिससे ये और भी सुंदर लगे। खासकर ये प्लांट हाउस प्लांट है तो आप इसको अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, ब्राइट रोशनी वाली जगह हो, खिड़की के पास रख सकते हैं। ये जो कैलेथिया के प्लांट्स हैं बहुत ही इजी टू केयर प्लांट्स हैं। देखिए, मैंने इसके नीचे प्लेट्स लगा रखी हैं जिससे इसमें अगर पानी हम डाल देंगे तो इसमें हमेशा से मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। खासकर आप इसके रूट्स को आप मंच कर सकते हैं मॉस से, जो आसानी से आपको नर्सरी से मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर फ़ायदेमंद होंगी कैलेथिया प्लांट को ग्रो करने के लिए, जो बहुत ही प्यारा और देखने में सुंदर प्लांट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे और न्यू प्लांट के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।